Hello children, in our previous video we have done section A of this chapter. Now today we will do section B. In this section we will write answer in 2-3 sentences. First question is, who appointed collector first to collect revenue? कि किसे अपॉइंट किया गया था एज अ कलेक्टर या रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए? तो हमने चैप्टर में ही देखा कि फर्स्ट जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड द कलेक्टर फर्स्ट टू कलेक्ट रिवेन्यू. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑर्डर वॉज पास इन आगरा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगरा में कौन सा ऑर्डर पास किया था? तो द ऑर्डर पास इन आगरा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट ब्रिटिशर्स, कि हर एक इंडियन को सैल्यूट करना होगा ब्रिटिशर्स को. विच कॉम्योडिटीज़ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? कौन सी कॉम्योडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से? द कॉम्योडिटीज़ लाइक जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन ऑफ ढाका, सॉल्टपीटर, सॉल्ट, लंप, सुगर एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो ये सारी कॉम्योडिटीज़ थी जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था. फोर्थ क्वेश्चन, वट हैव बीन सेट बाय द वर्ल्ड हिस्टोरियन अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया? कि जो विश्व के इतिहासकार थे उनका क्या कहना था भारत के आर्थिक प्रोग्रेस समृद्धि के लिए? द वर्ल्ड हिस्टोरियन हैव सेड अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डैट टिल 18th सेंचुरी द प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ द इंडिया इट्स इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एंड कॉमर्स वर अनमैच. तो विश्व इतिहासकार का ये कहना था कि जो भारत की तकनीक थी प्रोडक्शन की, जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका कोई मेल नहीं था विश्व में किसी भी देश के तकनीक के साथ. तो इतना ही मतलब फला फुला हमारा आर्थिक स्थिति थी, बट ब्रिटिशर्स ने उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. नेक्स्ट वीडियो में आगे का सेक्शन कंटिन्यू.